नमस्कार साथियों, स्वागत है हम सभी का श्री गोविंदम क्लासेज को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट हमारा चैप्टर चल रहा है ना, पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सांकेतिक पौधों के बारे में, इंडिकेटर प्लांट्स, या जिनको हम सूचक पौधे भी कहते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम है सूचक पौधे भी। दोस्तों, ये चैप्टर आज लास्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो एनपी के जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, उनके कार्य क्या है, उनकी कमियां क्या है, तो उसकी मैं कंप्यूटर से हम वीडियो बनाएंगे या फिर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही इसकी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक श्री गोविंदम क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है या ऐप डाउनलोड कर रखा है, उसमें जो टेस्ट सीरीज है, जो मॉडल पेपर की आपने हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है जिसकी बहुत ही मिनिमम प्राइस है ना, वो आप ले लीजिए। तो उसमें इसके कंप्लीट जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम उसमें डाल देंगे चैप्टर वाइज। देखो, मैंने टेस्ट सीरीज में आपको बताया था हम चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डालते हैं। आपके 2021 में किस प्रकार का पेपर आने वाला है, एमसीक्यू बेस, बहु विकल्पी प्रश्न जिनको कहते हैं, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक सब प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। तो चैप्टर वाइज हमने उसमें डाल रखे हैं, हम चैप्टर वाइज उसमें अपडेट करते रहते हैं। ओके, सो उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको कंप्लीटली मिल जाएंगी। और आप चाहो तो साथ में जेट आईसीआर बीएचयू की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जिसमें तीनों सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाती है। केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, साथ में सॉल्यूशन के लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ओके, चलिए, सांकेतिक पौधे क्या होते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इंडिकेटर प्लांट्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर प्लांट्स। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया, हम बाइक चलाते हैं या फिर कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं, तो हम जब मुड़ने वाले होते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं, उधर का हम इंडिकेटर जलाते हैं। तो जो एक्टिविटी होने वाली है, जो आगे चल के होने वाली है, वो उसके बारे में पहले ही जानकारी दे देना, पहले ही सचेत कर देना कि नेक्स्ट एक्टिविटी ये होने वाली है, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर, ठीक है। अब प्लांट का मतलब क्या, इंडिकेटर प्लांट का मतलब क्या होगा कि मृदा के अंदर जब पोषक तत्व होते हैं तो कुछ पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। अब पोषक तत्वों की कमी होगी तो पूरी फसल पर उनका प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसे कि नाइट्रोजन की कमी हो गई, एक खेत में मेरे पास एक खेत था उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है, तो नाइट्रोजन का प्रभाव पूरे खेत पे पड़ेगा। अब जैसे ही मैं फिर नाइट्रोजन का सुधार करने वाला हूंगा तब तक क्या है कि नाइट्रोजन का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा, तो कुछ फसल जो है वो नुकसान हो जाएगा कुछ फसल को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन क्रॉप जब हम लगाते हैं तो वहां पर हम इंडिकेटर प्लांट्स लगा देते हैं। ये क्या करते हैं कि उस मृदा के अंदर, उस खेत में, जब प्लांट न्यूट्रिएंट की, पादप पोषक तत्व की थोड़ी बहुत मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में अगर कमी होने लगती है, कमी होना शुरू होती है, तभी ये उसके कमी के लक्षण अपने ऊपर प्रकट करने लग जाते हैं, है ना, अपने ऊपर लक्षण प्रकट करने लग जाते हैं। हमने फसल में, जैसे कि ये मेरे पास एक खेत है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर प्लांट्स लगाए हैं, यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे लगाए हैं, बीच में कुछ लगा दिए, चारों पांचों तरफ से पूरा खेत जो हमने कवर कर लिया। अब खेत के जिस कोने में, जिस एरिया में उस पोषक तत्व की कमी होने लगती है, तो वहां पे वो इंडिकेटर प्लांट पे पहले ही शो होने लग जाएंगे लक्षण। उस इंडिकेटर प्लांट को देखकर हम समझ जाएंगे भाई हाँ, इस पर कमी के लक्षण दिख रहे हैं, मतलब आने वाले कुछ 5-10 दिन में इस मृदा के अंदर या फिर इस खेत में इस पोषक तत्व की कमी होने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका इलाज कर देते हैं, हम मैन्योर्स वगैरह डाल देते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, बोरोन के लिए बोरेक्स हो गया, नाइट्रोजन के लिए यूरिया वगैरह, जो भी वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंडिकेटर प्लांट लगाया है। सो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें हमने कहा है कि कुछ जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व जो है, जैसे कि एनपीके, सीएएमजीएस, एफईसीयू, बहुत सारे जितने भी पोषक तत्व हैं, उन सभी के कुछ इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं, सूचक पौधे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स आपको इसमें, इसकी पूरी टेबल जो है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपको ऐप के अंदर नोट्स में मिल जाएंगी, है ना, वहां पे मैंने पूरा मेंशन कर रखा है, तो वहां पे आप उसको देख लेना। समझाने के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो इंडिकेटर प्लांट है वो है गेहूं, जौ और मक्का, है ना, मतलब गेहूं, जौ, मक्का, इन पर, इनको हम एज ए इंडिकेटर प्लांट हम यूज कर सकते हैं हमारे क्रॉप के अंदर। फास्फोरस के इंडिकेटर प्लांट होते हैं मक्का, जौ, टमाटर, इन पर मतलब इसकी थोड़ी बहुत कमी, कम मात्रा में जैसे ही कमी होने लगती है वहीं पर इसके लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। पोटेशियम है, ठीक है, उसके कपास, केला, आलू और तंबाकू, ये इसके इंडिकेटर प्लांट होते हैं, ठीक है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम के इंडिकेटर प्लांट होते हैं बरसीम और दलहनी फसलें, ये इसके लक्षण प्रकट पहले ही से ही करने लग जाते हैं। उसके बाद में है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है जैसे कि आलू और फूलगोभी, ये इसकी कमी के लक्षण प्रकट करने लग जाते हैं। फिर है सल्फर, जिसको गंधक भी कहते हैं,
उसके इंडिकेटर प्लांट होते हैं मक्का, बरसीम, जौ, नींबू और सोयाबीन। उसके बाद में है फेरस, इसमें है फूल गोभी, नींबू और केला, ठीक है। उसके बाद में है जिंक, प्याज, टमाटर, नींबू। उसके बाद में है कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम, ये बहुत सारे और भी पोषक तत्व हैं, सभी के इंडिकेटर प्लांट्स हैं। वो कंप्लीट टेबल मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखे है, जो आपको ऐप में मिल जाएंगे, है ना, स्टडी मटेरियल नोट्स में। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई किस प्रकार से होते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बनता है आपको, ज्यादा नहीं तो हर एक न्यूट्रिएंट के एक दो क्रॉप आपको याद रखनी है, ठीक है, अच्छे से। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट का कौन सा इंडिकेटर प्लांट है, ये क्वेश्चन आता है। या छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का, जब दोस्तों इस चैप्टर का, अभी मैं ये चैप्टर फिनिश होने दो, उसके बाद इसके मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, है ना, और उसकी पीडीएफ जो है विद आंसर आपको ऐप के अंदर में डाल दूंगा। तो उस मॉडल पेपर जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, वो कितने नंबर का आएगा, छोटा बड़ा किस प्रकार का आएगा, वो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। इंडिकेटर प्लांट समझ आएगा, जल्दी से थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा आफ्टर क्लास, आपके डाउट्स का, आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई किया जाएगा। ओके, चलिए, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है कि पोषक तत्व हम पढ़ रहे हैं, अब ये जो पोषक तत्व जो पौधे के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा था कि आवश्यक होते हैं, ठीक है, लेकिन जब पोषक तत्वों को हम अधिक मात्रा में देते हैं फसल के अंदर, तो इनका विषैला प्रभाव भी होता है, राइट। आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पोषक तत्वों की मात्रा और पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वहां पे हमने चार प्रभाव पढ़े थे, चार स्तर होते हैं, चार लेवल में इनकी मात्रा का प्रभाव पड़ता है। अभाव, कौन कौन से बताइए, अभाव, उसके बाद में क्रांतिक स्तर, ठीक है, फिर पर्याप्त स्तर, और फोर्थ पे है विषैला स्तर, है ना, सबसे ज्यादा। तो यदि मृदा के अंदर या फसलों को या पौधे को कोई भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में दिया जाता है तो उसका पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि पौधों का विषैला प्रभाव क्या होता है, पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव क्या होता है, तो विषैले प्रभाव से पौधे की वृद्धि और विकास जो है वो रुक जाएगा, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होने वाली है वो अच्छे से सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, ये चीज है, ठीक है। अब ये जो विषैला प्रभाव है, लिख लेते हैं इसको, लास्ट टॉपिक है ये हमारा चैप्टर का, पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव। ठीक है, क्या होता है इसमें विषैला प्रभाव, मतलब इसमें क्या होता है कि पौधे के अंदर पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, पौधे की वृद्धि व विकास रुक जाता है, ठीक है, पौधे का वृद्धि और विकास रुक जाता है, क्योंकि आवश्यक पोषक तत्व और लाभदायक पोषक तत्व को अधिक मात्रा में यदि हम देते हैं तो उनसे क्या पौधे पर उनका विषैला प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाएगी और पौधे के अंदर कई सारे रोग उत्पन्न लगते हैं, है ना, तो पौधा जो है वो रोगों से ग्रस्त होने लगता है, पौधा रोगों से ग्रस्त होने लगता है और उसमें कई सारे कीट जो होते हैं उनका प्रकोप होने लगता है, कीटों की वृद्धि होने लगती है इस प्रकार से, ठीक है, कीटों का प्रकोप होने लगता है क्योंकि वो कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए कीटों का प्रकोप होता है, और यदि अधिक विषैला प्रभाव होता है तो पौधे की मृत्यु भी हो सकती है, अधिक विषैला प्रभाव से पौधे की मृत्यु भी हो सकती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हमने लास्ट में क्लियर कर लिया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विषैला प्रभाव से कुल मिला के बात यह है कि पौधे की रोग, पौधे के जो वृद्धि और विकास है वो रुक जाएगा, रोगों का उसमें प्रकोप होने लगता है, कीटों का प्रकोप होने लगता है, यदि अधिक मात्रा में या विषैलापन अगर पौधे के अंदर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, पौधे की मृत्यु हो सकती है, पौधा रुक जाएगा, है ना, इस प्रकार से। अब ये जो विषैला प्रभाव जो है इसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंड डालना, पौधों पर पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये जो पौधों पर विषैला प्रभाव जो पड़ रहा है ये किन कारकों पर निर्भर करता है, फिर किन किन कारणों से, किन वजह से पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है,
विशाल प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है तो कौन कौन से कारक है? सबसे पहला है कि पौधे के अंदर जो पोषक तत्वों की सुलभ या आसानी से प्राप्त हो जाना। भाई अगर मैं बात करूं आपको, जैसे रोटी का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर चार रोटी खाने से मेरी हेल्थ अच्छी होती है, अगर चार की जगह मैं छह रोटी खाऊंगा तो मेरे पे क्या होगा, उनका विषैला प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब छह रोटी में कब खा पाऊंगा जब मेरे पास में छह रोटी होंगी। अगर मैं जैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं, जैसे अभी तो खाने की, तो किसी होटल में रेस्टोरेंट में गए वहां पे, तो वो बंदा छह रोटी रखेगा, मैं छह रोटी खाऊंगा तो मैं उसका फिर धीरे धीरे इम्पैक्ट आने लगता है, ठीक है। तो जब अब है ही नहीं, अगर रोटी ही चार है टोटली, घर में चार ही रोटी है, तो फिर विषैले प्रभाव क्यों पड़ेगा, है ना। तो सीधी सी बात यह है, विषैले प्रभाव का सबसे फर्स्ट रीजन यह है कि हम पौधे को जो पोषक तत्व दे रहे हैं वो आसानी से उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब वो सुलभ या फिर आसानी से पौधे को प्राप्त हो जाता है, और पौधे को आसानी से प्राप्त हो जाता है तो पौधे के ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो फिर वो विषैला प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो पोषक तत्व का आसानी से प्राप्त हो जाना सिंपल सी बात है ना। अगर हमें कोई चीज आसानी से इजीली मिल जाती है तो हम उसको खाएंगे तो उसका विषैला प्रभाव पड़ने लगेगा। तो नेक्स्ट सबसे फर्स्ट है कि पोषक तत्व का आसानी से या सुलभ मात्रा में प्राप्त हो जाना, आसानी से प्राप्त होना, ठीक है, पहला रीजन है। दूसरा है पौधे की जीनी संरचना या फसल के आयु पर प्रभाव पड़ता है, पौधे की जीनी संरचना पर। ठीक है, उसके बाद में है फसल की एज कितनी है, इस प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है, या अन्य सहयोगी तत्वों का अपेक्षित सुलभता, अन्य जो सहयोगी तत्व है। सहयोगी तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी हमारी गलत आदतें नहीं होती हैं, कुछ गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड्स गलत हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल गलत है, तो वो हमें उकसाते हैं, अरे कर एक बार कर देखते हैं, एंजॉय आता है, वो कहते हैं ना कि सेंस एंजॉयमेंट वगैरह जो भी चीजें हैं, है ना। तो वो क्या है, सहयोगी हमें उकसा रहे हैं, भाई करके देख एक बार अच्छा लगेगा, करके देख अच्छा लगेगा, तो वो उकसा रहे हैं। तो या तो पोषक तत्व आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, इसका आप एग्जांपल किसी भी बैड हैबिट से ले सकते हो, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। बैड हैबिट अगर कोई चीज हमारे लिए इजीली आसानी से मिल रही है तो हम उसकी हैबिट में डल जाती है, नहीं है तो फिर हमारे फ्रेंड्स लोग हमें इजीली उसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चीज का थोड़ा सा लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, मैं काफी बार आपसे कहता हूँ, अकेले रहो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, ज्यादा बेटर रहता है, फ्रेंड सर्कल रखो कम, रखो सही लोगों के साथ रहो। सहयोगी तत्वों का सहयोगी तत्व, ठीक है, सहयोगी तत्वों का सुलभता, सहयोगी तत्वों की सुलभता, मतलब वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, तो वो भी उनको जो न्यूट्रिएंट देने वाले हैं पौधे को, वो आसानी से प्रोवाइड कराएंगे, तो पौधे को वो आसानी से मिल जाएगा, तो पौधा उसको ग्रहण करेगा, फिर उसका विषैला प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, समझ में आ गया विषैला प्रभाव क्या होता है और इन विषैला प्रभाव जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पॉइंट इज दैट कि सीधी सी बात यह है कि वो पोषक तत्व अगर आसानी से उपलब्ध है पौधे को तो वो अधिक मात्रा में उसको ग्रहण करेगा, तो उसका विषैला प्रभाव उस पर पड़ेगा, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो, या लिख लिया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलिए ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर आपको इसके मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे जो ऐप के अंदर कोर्स बना हुआ है हमारा। तो अगर आपने जो कंप्लीट कोर्स ले रखा है तो आपको मॉडल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर करना है ना। आप में से काफी बच्चों का डाउट है कि सर हमने 12th का कोर्स ले रखा है तो क्या फिर भी हमें मॉडल पेपर लेना है? नहीं, कतई नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। जो बच्चे मॉडल पेपर लेना चाहते हैं वो ऐप के अंदर स्टोर पे जाके से मॉडल पेपर ले सकते हैं, उनका कोर्स हमने बना रखा है 150-200 में, आपको कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट में मॉडल पेपर मिलते हैं। और मैं रियली बात बताऊं तो ये है, कोई मार्केटिंग नहीं, आप खुद समझदार हो, 12th क्लास का हम खुद सोचिए कि अगर गलती आप मैंने पीडीएफ भेजी होगी आपको, नहीं मिली होगी तो उसमें मैंने फ्री डाल रखी है, देखना पीडीएफ को पढ़ो, चैप्टर फर्स्ट की मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है उसमें देखोगे कि मैंने हर तरीके से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे उसमें हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है, सारे प्रश्न उसमें कवर कर रखे हैं, आईफोन से ले लो सर, कवर कर रखे हैं सारे प्रश्न उसमें कवर कर रखे हैं, ठीक है।
अब उन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लोगे लास्ट टाइम पे उन प्रश्नों को ही पढ़ लोगे तो भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है, तो इसका ध्यान रखना ठीक है। हाँ तो एक बार आप देख लेना, उसके बाद ही सोचना कि मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। 150-200 रुपए में कोई ज्यादा चीजें नहीं होती है। ओके सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। भाई पूरा चैप्टर हो गया, पूरी रामायण हो गई। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि रामायण आई कहां से, किन्होंने दी थी, है ना, किसने बातचीत थी, किसने बोली थी, कोई चीज। पोषक तत्व चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अब ये पोषक तत्व पौधे को मिलते कहां से हैं, कहां कहां से मिल सकते हैं, वो सारी चीज पढ़ने वाले हैं। और अगर पौधे को ये जो पोषक तत्व मिलते हैं इसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, कहां से मिलते हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया। अब जहां से मिल रहे हैं, जैसे कि खाद उर्वरक से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं, है ना, सब चीजों से, ऑर्गेनिक मैन्योर से मिलते हैं, तो बात तो वही है ठीक है। तो उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रभावित करने वाले कारकों में, मैं सिर्फ यहाँ पे कारक ही लिखूंगा, है ना, थ्योरेटिकली मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला है मृदा पीएच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मृदा पीएच का मतलब क्या है कि जितने भी पोषक तत्व हैं मृदा के अंदर, या यूं कहें कि मृदा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो एक निश्चित पीएच पर ही उपलब्ध हो पाते हैं, निश्चित पीएच पर ही सक्रिय होते हैं, है ना। तो पीएच का मान प्रभावित करता है, यदि पीएच का मान बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा या पीएच का मान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो वो पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया ना सीधी सी बात। तो प्रत्येक पोषक तत्व एक निश्चित पीएच पर, लिख लीजिए भले, निश्चित पीएच पर ही उपलब्ध होते हैं, निश्चित पीएच पर आस, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, है ना, निश्चित पीएच पर आस पर ही उपलब्ध होते हैं, है ना, एक निश्चित पीएच पर आस होगी उस पर ही वो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। यदि किसी मृदा का पीएच मान कम होता है या पीएच मान ज्यादा होता है तो वो पोषक तत्व उस मृदा को नहीं मिल पाएगा ठीक है। तो सबसे पहला मृदा पीएच, उसके बाद में सेकंड है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ जानते हो भाई क्या होता है, पेरेंट मटेरियल, जैसा बाप वैसा बेटा, मजाक था बाप, है ना, अब बाकी सही है ठीक है। पेरेंट्स जैसे होते हैं संतानें भी वैसी होती हैं ठीक है, उनके भाई करेक्ट, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, जेनेटिकल कैरेक्टर्स आते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो पेरेंट मटेरियल यहाँ पे क्या है, मृदा में, मृदा में पेरेंट मटेरियल है उसके चट्टान है, चट्टानों का जब अपचय होता है तो मृदा बनती है। अब कैसे प्रभावित करेगा, अगर कोई अम्लीय चट्टान है, अगर कोई अम्लीय चट्टान है तो उससे बनने वाली मृदा भी अम्लीय होगी, तो उसमें अम्ल मतलब पीएच का मान कम हो गया तो उसमें उपलब्ध होने वाले पोषक तत्व जो है वो उसके हिसाब से कम ज्यादा होंगे ठीक है। और क्षारीय चट्टान है तो उसका उसके कारण बनने वाली मृदा भी क्षारीय होती है, तो उसमें क्षारीय मृदा में उपलब्ध होने वाले पोषक तत्व भी प्रभावित होंगे। तो पैतृक पदार्थ किस प्रकार के हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के, या यूं कहें कि उनके अंदर पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, क्वार्ट्स है इस प्रकार से ठीक है, बहुत सारे फास्फोजिप्सम ये सारे हो गया, तो ये पोषक तत्व उनमें उपलब्ध होते हैं किसमें, चट्टानों में। और वही पोषक तत्व चट्टानों से अपक्षय के द्वारा मृदा जब निर्माण होता है तो मृदा के अंदर आते हैं। तो वो पैतृक पदार्थ किस प्रकृति का है, कौन सा है, उसमें कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, वही उस मृदा के अंदर ज्यादा मात्रा में आएगा ठीक है। उसके बाद में है मृदा आयु, नेक्स्ट है मृदा आयु, ये भी प्रभावित करती है भाई। कैसे प्रभावित करती है, जैसे आपने देखा होगा अभी, जैसे मैं आप सबकी बात करूं, मेरी बात करूं, हम सब एक यंग एज में है ठीक है, तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, आउटपुट ज्यादा दे सकते हैं, 8 घंटे दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे आराम से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही काम, यही एनर्जी अगर आप एक 50 साल के व्यक्ति में देखोगे नहीं मिलेगी, 80 साल के में देखोगे और कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ये अपनी बात कर रहा हूं मैं। सेम मृदा के अंदर जब मृदा नई होती है, मृदा नई कैसे होगी, ऐसा नहीं कि बाजार से लेके आ रहे हैं, नई मृदा कैसे होगी, जब किसी नई मृदा का निर्माण हो रहा है पैतृक पदार्थों से, तो उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की भरमार होती है ना, पूरे भरे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो मृदा के अंदर हम फसल उत्पादन करते हैं, इस बार लिया थोड़े से पोषक तत्व निकाल लिए उस फसल ने, अगली बार फिर फसल बोएंगे फिर पोषक तत्व निकाल लिए, तो जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ती है वैसे वैसे पोषक तत्वों की मात्रा उसके अंदर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। सिंपल कॉमन सेंस की बात है ये तो, है ना, समझ में आएगा ना। तो मृदा आयु से, जैसे जैसे मृदा आयु बढ़ती है वैसे वैसे उस मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो घटने लगती है ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है जलवायु, जलवायु का भी फैक्टर है भाई, जलवायु का भी फैक्ट करती है कि वहां की जलवायु किस प्रकार से है, अलग अलग जलवायु में क्या होता है, जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है पोषक तत्व प्राप्त हो पाता है या नहीं हो पाता, वो सारी चीजें होती हैं ठीक है। फिर है मृदा की भौतिक दशा, मृदा की
भौतिक दशा, भौतिक दशा किस प्रकार से है, तो इसमें भी वही है, वही चीज आएंगी पैतृक पदार्थों वाली कि उसमें कौन से पोषक तत्व, उस मृदा का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, उसमें कौन से खनिज की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और उस मृदा के कण किस प्रकार से, तो उसी के आधार पर उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में है मृदा में सूक्ष्म जीव, मृदा में सूक्ष्म जीव, मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज करते हैं, इसकी सूक्ष्म जैविक क्रियाएं करते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, जो मृदा के अंदर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, कचरा जो होता है उसको सड़ा गला के कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। तो जिस मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज्यादा होगी या लाभदायक सूक्ष्म जीव ज्यादा होंगे तो वो खाद बनाने का काम ज्यादा करेंगे, खाद ज्यादा बनाएंगे तो उसके कारण क्या होता है, मृदा के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। तो अगर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है तो कार्बनिक खादों की मात्रा बढ़ेगी तो पोषक तत्व भी प्राप्त ज्यादा होंगे, अगर कम होती है तो कम हो जाएंगे, तो सूक्ष्म जीवों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म जीव है ये क्या काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोले तो कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड आ जाएगा कि उस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ जीवाश्म पदार्थों की मात्रा कितनी है। चलिए देखिए 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 सही चल रहा सब, है ना, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैन्योर्स की मात्रा कितनी है, ज्यादा होगी तो पौधे को पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, अगर कम है तो कम होगी, कम ज्यादा किसके कारण आएगी, सूक्ष्म जीव एक्टिविटीज के कारण आएगी, ठीक है। उसके बाद में है फसल प्रणाली, हम किस प्रकार की फसल ले रहे हैं, अभी हमने शुष्क ड्राई फार्मिंग चैप्टर चल रहा है अपना एग्रीकल्चर में, तो वहां पे हमने ये चीज अच्छे से पढ़ी है, फसल प्रणाली किस प्रकार की है, किस प्रकार की हम फसल अपना रहे हैं, एक ही फसल हम बार बार ले रहे हैं तो सारे प्लांट न्यूट्रिएंट पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, तो हम फसल प्रणाली वहां पे किस प्रकार के ले रहे हैं उस पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो हमें फसल प्रणाली जो है वो चेंज करते हुए रहना चाहिए। उसके बाद में है नेक्स्ट जुताई टीलेज, ये भी हमने टीलेज भी शुष्क मृदा वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग वाले चैप्टर में, टीलेज करने से क्या होता है, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी पलटना बताया था ना मैंने, मिट्टी पलटते हैं तो क्योंकि ऊपरी मृदा से हम लगातार अगर फसल उत्पादन लेंगे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, तो अगर नीचे की मिट्टी में ज्यादा है उनको हम पलट देंगे तो नई मिट्टी ऊपर आ गई तो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जुताई करने से भी क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। अब अगर जुताई नहीं करेंगे तो ऊपर वाली मृदा से सारे पोषक तत्व फसल ले लेगी तो फसल के अंदर पोषक तत्व मात्रा कम हो जाएगी, तो इसलिए हमें जुताई करते रहना चाहिए, गहरी जुताई डीप प्लोइंग करते हैं तो उससे क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा मृदा के अंदर रिकवर होती है या बढ़ती है, ठीक है। और लास्ट है स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब क्या होता है, इस प्रकार से उबड़ खाबड़ जो होती है कि वहां की मृदा किस प्रकार समतल है, जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं यहाँ पे जब वर्षा जल होता है तो वर्षा के साथ में सॉयल इरोजन होगा, पानी गिरेगा, पानी साथ में मिट्टी बहकर जाएगी, मिट्टी बहकर जाती है तो मिट्टी के कणों के साथ में उस मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है वो भी बहके जाएंगे और सारे के सारे पोषक तत्व जो है वो यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि ऊंचे स्थानों पर पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो सभी मिट्टी के साथ बहकर वो निचले स्थानों में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी निर्भर करता है कि जो मृदा हम देख रहे हैं, जिस मृदा की हम बात कर रहे हैं, वो मृदा की स्थलाकृति कैसी है। अगर मृदा समतल है तो वहां पे पोषक तत्वों की मात्रा पूरी मृदा के अंदर समान रूप से वितरित होगी, है ना। अगर समतल नहीं है तो जो ऊंचे स्थान है वहां पे पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी और जो नीचे स्थान है वहां पे पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 कारक है बच्चों जो मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, इसके कंप्लीट मॉडल पेपर मैं ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा और जो कंप्लीट कोर्स में ऐड नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं मॉडल पेपर का, तो वो भी आप ले सकते हो ऐप के अंदर से स्टोर पे जाके, वहां पे इसका मॉडल पेपर विद आंसर आपको सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा, ओके। बाकी इसकी कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो और वो सारी चीजें आपको हमारे 12th के कोर्स में मिल ही जाएगा, ओके, डोंट वरी, ठीक है, समझ में आ गया। आप कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है तो बताइए, बाकी मिलते हैं कल। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।